पल के बेस से शहरों में पेट्रोल की किल्लत बहरान सर उठाने लगा। शहरी परेशान, ऑयल कंपनीज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे के पेश नज़र सप्लाई बंद कर दी। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरियों को महदूद मकदार में पेट्रोल फरोख्त किया जाने लगा। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि जितना पेट्रोल मिलेगा उसी हिसाब से ही फरोख्त करेंगे। अमरीकी डॉलर की कदर में बड़ी कमी, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 5.09 रुपये सस्ता, डॉलर 268.23 रुपये पर ट्रेड होने लगा। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 5 रुपये कमी, 274 रुपये का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 42,200 से भी तजावज कर गया। इंतखाबात हुए तो महंगाई की मौजूदा लहर पार्टी को बहा ले जाएगी। नून लीग अराकीन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तहफ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में महंगाई की लहर का अंदाजा है, कोशिश है IMF से मुआहदे के बाद आवाम को फौरी रिलीफ दे सकें। पीटीआई के 43 अरकान का तहरीरी फैसला मिलने के बाद ऐवान में जाने का फैसला। सराय के मुताबिक तहरीरी फैसले आने के बाद पीटीआई अपनी कानूनी टीम के साथ मुशावरत करेगी। स्पीकर कौबे सबरी राजा परवेज अशरफ कहते हैं अदालती फैसला मौसूल होने पर कानूनी माहिरीन से राय लेंगे। उधर कौबे सबरी का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। साबिक वज़ीर दाखला शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद, इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने महफूज फैसला सुना दिया। इससे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की दी थी। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक पर सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। चीफ इलेक्शन कमीशनर की ज़ेरे सदारत मुशावरती इजलास आज तलब। मुल्क की 21 बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान इजलास में मदऊ, ज़ाब्ते अख़लाक़ के मुसव्वदे पर राय ली जाएगी।